el templo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरो खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और मजे में। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स भी करें और हमारे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने का भी कहें शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज हम कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आज हम इवनिंग टाइम टी टाइम जो है आपसे शेयर कर रहे हैं कि टी टाइम पे हम क्या करते हैं। तो देखिए, टी सिस्टर ने बना ली है, देखे आज सिस्टर ने टी बनाई है और उसके अलावा दूध भी उबाल ली है। दूध फ्रेश फ्रेश बाड़े से लाए थे तो दूध भी उबल चुका है माशाल्लाह से और चाय भी बन के तैयार है। तो सबसे पहले चाय फीकी निकाल लेंगे वाली साहब के लिए विदाउट शुगर वाली और बाकी में हम चीनी डाल लेंगे। ठीक। और आज देखिए चाय के साथ क्या चीज है, समोसे है। समोसे सर्व करेंगे सबको। दी गई बाकी चाय में चीनी डाल ली है और ये हलवा जो कल बनाया था ना ये भी गरम करके आज सर्व करेंगे साथ चाय के। चाय के साथ हलवा खाए तो बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी लगता है ना जी। और सिस्टर जो है आज क्या बना रही है, गोभी आलू। आज बना रही है गोभी आलू की रेसिपी। तो ये देखें ये समोसे हैं, समोसे निकाल लेते हैं, साथ में चीनी को भी पका लेते हैं ताकि चीनी चाय में पक जाए अच्छे से। चीनी को पकाना बेहद जरूरी होता है चाय में, नहीं तो चाय का अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो देखिए समोसे निकाल लेते, ये चने इसके साथ और ये है समोसे और ये चटके। दुआ निकलते हुए चले हैं ना गरमा गरम। yes. साथ में दही की चटनी है, दही की चटनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना जी। गरमा गरम समोसे कितने प्यारे हैं ना जी। तो
बाकी चाय भी सब कर लेते हैं। चाय सर और चाय भी जाएगी आप बुलाई जाएगी और साथ में देखिए हलवा भी गर्म कर लेते हैं। कभी कभी मैजेस्टिक जो है काम नहीं करता। यस ठीक। ऐसे अगर चूल्हा ऑन रहे ना काफी देर तक तो फिर चलता रहता है ना जी। अगर चूल्हे को साफ करो गीले कपड़े से तो थोड़ा सा रुक जाता है। तो दिखाओ हलवा। ये कल बनाया था हलवा देसी घी में। ये भी गर्म कर रहे हैं साथ में। आप लोगे ना जी? जय भाई थोड़ा सा इसे इस तरह से खोल देंगे। हलवा भी हमारा गर्म हो रहा है और इसका आप प्यारा सा व्यू लो। तो देखिए फ्रेंड्स आज चाय के साथ है समोसे मजेदार से हलवा मजेदार सा ये वाला बाकी गर्म भी हो रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल हम गाजरों का जूस भरपूर पी रहे हैं। ये देखें, ये गाजरें मुझे सिस्टर ने साफ करके दी हैं, हाफ साफ किए, अभी इससे ज्यादा और पड़ी हुई है ना जी। तो गाजरें आप धो लेते हैं। गाजरों का मीठा पहले साफ किया जाता है। ये देखें किस तरह से साफ किया, दिखाओ क्लोजली। ये इस तरह से गाजर को हमेशा हलवा बना रहे हैं, चाहे जूस बना रहे हैं, गाजर को इस तरह से ऊपर से पहले इसके नीचे से जड़ उतारते हैं ऊपर से थोड़ी सी, फिर इसको छुरी की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं और अब इसको वॉश करके इस तरह से इसका जूस निकालेंगे। अगर आप ये अमल नहीं करेंगे तो जूस या फिर हलवा जो बना रहे हैं ना वो कड़वा होगा। ये जड़ होती है, ये कड़वा कर देती है चीज को, तो गाजर को धोना पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अच्छे से गाजर वॉश कर लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल फ्रेश है भाई, मैंने जब काटी बहुत ताजी गाजर है और सिस्टर ने साफ करके दी है अच्छे से। तो गाजर तो हमारे पास बहुत ज्यादा आई है, तकरीबन दो धड़ी आई है या तीन धड़ी है, तो ये तो उसकी आधी ली है अभी, आधी से आधी से पकड़ी है। हलवा भी बनाएंगे और जूस भी बनाएंगे। जूस हम बहुत ज्यादा पी रहे हैं आजकल, तो गाजर का जूस और ऑरेंज जूस मिक्स करके बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी ना, गाजर का जूस भारी होता है, इसमें या तो काला नमक डाल लें या फिर ऑरेंज मिक्स करके। ठीक है, सही। सारी गाजर हमने अच्छे से वॉश कर ली है। ठीक है, ठीक। ये देखिए, ये होता है कड़वा पार्ट, जड़ होती है। अब इसी स्टेनर में हम गाजर डालते हैं। काफी सारा पानी नीचे ड्रेन हो गया, गाजर धो लिए हमने। आप जो इन्हें भी साफ कर लेते हैं। किन्नू साथ जरूर मिलाया करें, देखिए कितने प्यारे किन्नू आज का सीजन के आए हैं। तो किन्नू का जूस भी जरूर पिए साथ साथ। किन्नू भी इसी तरह से मैं सारे साफ कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से कट, हल्का कट लगाते हैं इस तरह से, और देखिए आप इसका छिलका कितनी अच्छे से झटपट उतर जाएगा। ये देखिए, इस तरह से, और इसको इस तरह से छील के रख लें। ठीक है, मैं किन्नू साफ कर लूं फिर मिलते हैं।
सारी हो गई है, ये सारी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, गाजर और ऑरेंज जूस मिक्स बनके तैयार है। अब इसको बड़े बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे और देखिए गाजर के जूस में ऑरेंज डाल के ही पिया जाता है, या फिर लेमन डाल लें अगर ऑरेंजेस नहीं है, क्योंकि ये जो है गाजर जो है पेट में दर्द जल्दी डालती है। देखें अब हम मिक्स कर लेंगे ऑरेंज वाला और गाजर वाला, ये था ऑरेंज वाला ज्यादा था। और अब इसमें क्या जाएगा, ब्लैक सॉल्ट। यस। और देखें आज डिनर में सिस्टर ने बनाया हुआ है फूलगोभी और आलू, है ना जी। तो ये देखें ब्लैक सॉल्ट डाल लेते हैं, काला नमक जिसे कहते हैं, ये हजम के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चला जाएगा इस तरह से और इसको कर लेंगे मिक्स। बीच में गाजरों के और या तो ऑरेंजेस डालें या फिर लेमन जरूर डालें। बिल्कुल, सिस्टर ने बहुत अच्छी टिप दी है, क्योंकि गाजर का जूस जो है ना वैसे पेट में दर्द डाल देता है। दिखाओ क्लोज व्यू, लो देखिए कितना फ्रेश है और ये खालिस है। डब्बों के जूस से अच्छा बंदा ये पिए है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, डब्बे का जूस तो किसी काम का नहीं होता, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं और उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है और कुछ भी नहीं है।
तो उसमें कोई जान वगैरह नहीं है, जान ही नहीं, फ्रेश जूसेस में देखें। पांच ग्लास बना लेंगे बिस्मिल्लाह पानी के, इस तरह से ताजा जूस है। देखे साथ में सिस्टर ने पालक फूलगोभी और आलू बनाए हैं, अब इसमें सिस्टर हरा धनिया डाल देंगी है ना। यस माशाल्लाह कितना प्यारा बनाया सिस्टर ने, दिखाओ माशाल्लाह। तो देखिए फ्रेंड्स आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में क्या चीज खाई जाती है, पकोड़े। दिखाओ पकोड़े, देखिए यहाँ पे हमने पकोड़ों के लिए आलूओं को इस तरह से फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट लिए। फ्रेंच फ्राइज तो ऐसे नहीं होते, पर ये वो स्टाइल है फ्रेंच फ्राइज स्टाइल, छोटे फ्रेंच फ्राइज यानी कि चिप्स टाइप काट लिए। प्याज ले लिया, टमाटर एक ले लिया और हरी मिर्च, ठीक है। आप इन सब चीजों को पकौड़ों में मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप इसमें फूलगोभी डाल सकते हैं थोड़ी सी, और बैंगन भी चॉप करके डाल सकते हैं, जिसको वेजिटेबल वाले पकौड़े खाने, ठीक है। ठीक, ये सारी चीजें चलेगी इसमें पकौड़े में इस तरह से। फिर प्याज के लच्छों को इस तरह से खोला भी करें, और देखिए पकौड़े में बनाऊंगा सरसों के तेल में। सरसों के तेल में पकौड़े बहुत मजेदार बनते हैं, हमने लास्ट टाइम मछली भी सरसों के तेल में बनाई थी। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से हीट अप हो जाए। जब तक ये हीट अप होगा तब तक हम अपना पकोड़ा मिक्स का बैटर रेडी कर लेंगे, है ना। ठीक है जी भाई, अब इसमें बेसन चला जाएगा इस तरह से। बेसन जितनी अच्छी क्वालिटी का लेंगे उतना ही अच्छे पकोड़े बनते हैं ना, तो बेसन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये बेसन हमारा अच्छी क्वालिटी का, मतलब ऐसी शॉप से लिया हुआ है जिनका बेसन क्वालिटी नंबर वन होता है, नहीं तो बेसन जो है महंगा है और मैदा सस्ता है, तो मैदा मिला के बेसन देते हैं जो कि अच्छा नहीं होता, जिसका पकौड़ा पेट में दर्द डालता है ना जी। तो या तो अच्छे सुपर स्टोर से ले लें या फिर अच्छी शॉप से ले लें जिससे लेते हो आप। और ये दिखाओ पकौड़े में अनारदाना मेरी वालदा साहिबा डालती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखो खूब सारा अनारदाना डालेंगे पकौड़ों में, अनारदाना और टमाटर आप डाल के जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा पकौड़ा खाने में। पकौड़ों में जाएगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगा, बाकी में वो दरदर मिर्च मोटी चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, और नमक डाल देते हैं बिस्मिल्लाह पानी की इस तरह से।
भी चला गया। अब कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे जिसमें चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया और सफेद जीरा। देखो सफेद जीरा, सफेद जीरा और अजवाइन जरूर पकौड़े में डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पकौड़े में अच्छी डालें, क्योंकि पकौड़े में मिर्च थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चिली फ्लेक्स। और ये है सूखा धनिया, सूखा धनिया देखे, देसी सूखा धनिया, छोटा छोटा प्यारा प्यारा, ये इस तरह से थोड़ा सा हाथों पे मसल के डाल दें। अजवाइन, अजवाइन लेकर आते हैं सिस्टर, तब तक मैं ये डालता हूँ हल्दी, हल्दी पाउडर थोड़ा सा जाएगा पकोड़े में। हल्दी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी रहती है और पकोड़े को हजम करने में मदद देती है। ठीक है, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, अजवाइन दिखाओ, अजवाइन, अजवाइन पकौड़े में जरूर डाला करें। जो मैदा होता है ना, कभी कभी पेट में दर्द डाल देता है, तो अजवाइन उसके लिए अच्छी रहती है, थोड़ी डालनी चाहिए, चीज को कड़वा कर देती है। और ये है मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये जो है ना थोड़ा सा पकौड़े को अच्छा सॉफ्ट सा बनाता है, फुला फुला सा। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी चलेगी पकौड़े में। अब ये देखें, अब जिन लोगों ने पकौड़ा मिक्स बना के रेडी करके फ्रिज में रखना हो, आप इस तरह से रख सकते हैं इसे, तो ये आपका पकौड़ा मिक्स रेडी हो गया। ये इस तरह से बना के रख दें जब गेस्ट आए, या फिर जब आप, अगर आपके पास टाइम वगैरह नहीं है तो इस टाइम फिर आप इसे पकौड़ा मिक्स रेडी करके रखें और निकाल के पकौड़े इसमें पानी मिला के और पकौड़ों का बैटर घोल लें। हमेशा पकौड़ों का जो बैटर होता है उसे घोल के नहीं रखा जाता, अगर आपने रखना है ना तो इस तरह से पकौड़ा मिक्स बना के रखें। आप तो मार्केट में भी ऐसा बना हुआ मिलता है, अच्छे सुपर स्टोर में रमजानों में ऐसा पकौड़ा मिक्स बैटर बना हुआ मिलता है। हम इधर, हमारे इधर मेट्रो है, मेट्रो कैश एंड कैरी है, तो वहाँ पे इस तरह से रमजान में बना हुआ पकौड़ा मिक्स बैटर मिलता है, है ना? यस, मिलता है, बस घर ले और ऐसे पानी, ऐसे पानी घोल के डाल लो, बना लो, है ना? यस, मसाले से ना? अब इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। ठीक है, बस घोल लो तो फिर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्म हो रहा है तो हमारी चाय भी बन के तैयार है ना भाई? चाय सिस्टर ने बनाई है, इधर अंडे भी बॉईल किए हैं, देखते हैं अंडे बॉईल पड़े हैं, सर्दियों की निशानी अंडे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सरसों के तेल को हमने एक दफा फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे अच्छे से जला लिया। सरसों के तेल को जलाना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो वो कड़वा कड़वा गले में लगता है। और सरसों के तेल में पकोड़े बनाए तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब चाय हम सर्व करते हैं साथ साथ, फिर पकोड़े निकाल के सिस्टर साथ साथ सर्व करती जाएंगे ना। और साथ साथ आज डिनर में बन रहा है चिकन कढ़ाई बनाएंगे अच्छी सी, तो वो भी ना साथ साथ रख देते हैं ताकि गैस से कम ना हो जाए, क्योंकि आज हो रही है इस्लामाबाद में बहुत सारी बारिश। चीनी को पका लेते अच्छे से, और देखिए साथ में तेल जलाया हुआ है, तेल को, सरसों के तेल को जलाया हुआ है, तो उसके लिए उसका टेम्परेचर लूज कर रहे हैं, क्योंकि एकदम गर्म चीज में पकौड़े डालो ना तो पकौड़े या कोई भी फ्राइंग आइटम जो है ऊपर से कलर पकड़ लेती है और अंदर से कच्ची रह जाती है ना। जी भाई से कह रहे, ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी।
चाय हम सर्व कर देते हैं और साथ में हम पैन रख देते हैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सिस्टर ने देखे चिकन जो है डिफ्रॉस्ट करके रखा हुआ है, प्याज लहसुन और अदरक जो है छील कर रखी है, चॉप करके रखी है छील कर, और टमाटर ठीक है। तो टी टाइम साथ सर्व कर रहे हैं चाय और डिनर में बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई भी मैंने कहा साथ बना लेते हैं जितने में पकौड़े तलेंगे, क्योंकि जो है ना इस्लामाबाद में हो रही है अच्छी सी बारिश, प्यारा प्यारा मौसम इसमें ऐसी चटपटी सी चीजें बनते हैं ना, बिल्कुल पकौड़े जैसे पकौड़े और ऐसे कढ़ाई फिश जैसे फिश कढ़ाई होती है, जैसे चिकन कढ़ाई है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल चिकन कढ़ाई होगी, फिश कढ़ाई होगी, खाने का जैसा या फिर फ्राइज हो गए, बर्गर हो गए, इस तरह की चीजें खाने का दिल। चाय भी हमने साथ साथ सर्व कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका फ्लेम भी ऑन करता हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। सिस्टर इतने में चाय साफ करके आओ, देखिए टेम्परेचर लूज कर लिया सरसों के तेल ने, अब इसका फ्लेम कर लेते हैं ताकि कोड़े डाल ले इसमें भी, और साथ में देखिए चिकन कढ़ाई बनाने के लिए बिस्मिल्लाह खान की कुकिंग ऑयल ले लिया हमने। हमारा हीटअप हो चुका है अच्छे से, देखे तो फ्रेंड देखे आज डिनर में बन रही है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सिस्टर ने चिकन को डिफ्रॉस्ट करके रखा है, ये देखे फ्रीज हुआ हुआ चिकन होता है हमारे पास, तो इसको सिस्टर ने डिफ्रॉस्ट कर लिया है। दो चिकन ले लिए, टमाटर की स्किन रिमूव करके ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, हरी मिर्च को चॉप कर लिया, अदरक का टुकड़ा रखा है, प्याज को चॉप किया है, लहसुन को चॉप किया है, ठीक है। प्याज थोड़ी ज्यादा जाएगी, लहसुन भी कितने, लहसुन दो लहसुन है, एक लहसुन चला जाएगा, एक या डेढ़ लहसुन, दो प्याज और एक लहसुन है ना जी जी जी। और इसको हम आप कर लेंगे फ्राई, लहसुन और प्याज को फ्राई कर लेंगे, सासा घी काम भी हो जाए ना डिनर वाला। और सासा पकौड़े डालते हैं, कोड़े हमेशा लो फ्लेम पे डाले जाते हैं, और सरसों का तेल हो तो फिर तो और ही लो फ्लेम पे, क्योंकि सरसों का तेल हीट बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ता है। कोड़े बैटर को इस तरह से अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद कोशिश करें यहाँ से पकड़ लें, होल्ड कर लें, और पकौड़े डालते हैं। जो ग्लव्स है ना ये थोड़ा सा पंगा करते हैं ना, देखिए सरसों के तेल में पकौड़े बनाए तो खुशबू ही उसकी और होती है। लास्ट टाइम हमने फिश भी फ्राई की थी सरसों के तेल में तो बहुत मजे की बनी थी, और बड़ा मजा आया था मछली खाने का। अब मैं और सिस्टर जो है चिकन कढ़ाई फिश कढ़ाई भी बनाएंगे, क्योंकि मेरी और सिस्टर की घर में फिश फ्राई फेवरेट, और बाकी घर वालों को फिश फ्राई अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड जो है फ्राइंग की चीजों को नहीं किया जाता, यानी कि भर भर के नहीं डाल देंगे, नहीं तो पकौड़े खराब हो जाएंगे ना, मुनासिब सी फ्राइंग डाल दी जाती है। ये भी हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो उसके साथ साथ जो उसका मसाला हम फिर पेस्ट कर देते हैं।
बस एकदम पकौड़े नहीं लाए जाते, जब ये एक तरफ से पक जाएंगे ना तो फिर इनकी साइड पलट जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम आ जाते हैं चिकन कढ़ाई की तरफ। ठीक है, ठीक है भाई। देखा प्याज हो रही है लाइट ब्राउन, टोमेटोज को हम चॉप कर लेते हैं। देखिए टमाटरों की स्किन सिस्टर ने रिमूव की है, यानी कि छिलका उतारा हुआ है टमाटर। ये हो गए टमाटर चॉप, अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं। देखिए चिकन कढ़ाई मसाले में आप कौन कौन से ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो निकाल देते हैं। सूखा धनिया जाएगा, यस, और सफेद जीरा जाएगा थोड़ा सा, और ये है तेज पत्ता। एक मुर्गी में डालो ना, बड़ा मजा आता है उसका खाने का। तो सबसे पहले दिखाओ सूखे धनिया जरूर डलता है, गोश्त हो चाहे चिकन हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देसी है। इसका टेस्ट बहुत तेज है, खुशबू और टेस्ट दोनों ही तेज है इसकी। ये चला गया सफेद जीरा, सूखा धनिया और सफेद जीरा हमने पीस लिया अच्छे से। अब इसी हवन दस्ते में हम अदरक का टुकड़ा पीस लेंगे। अब हम यहाँ से ले लेंगे ऑल स्पाइसेस के, और इसमें डाल देंगे, दिखाओ ये तेज पत्ता, एक तेज पत्ता इस तरह से इसमें डाल देंगे फ्राइंग के टाइम पे। ठीक है, ये चला गया। अब इसमें हरी मिर्च चली जाएगी, दिखाओ हो गया ना लाइट ब्राउन सा, हरी मिर्च डाल देंगे इस तरह से। और ये पीसी हुई अदरक, इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से, हरी मिर्च को, अदरक को, और जो तेज पत्ता डाला है इसे रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब तक ये रोस्ट हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं,
हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि चिकन कढ़ाई मसाला बना देते हैं, जिसमें हमने पहले सूखा धनिया और स्पाइस जीरा डाला है दरदर सा पीस कर। आप देखें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं थोड़ी थिक की ग्रेवी रखूंगा, पतला नहीं शोरबा बनाऊंगा। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर दिखाओ, ये क्या थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और ये है हमारा चिकन कढ़ाई मसाला पाउडर, और यहाँ से नमक। ये हमारा बन गया चिकन कढ़ाई मसाला पाउडर। ठीक है भाई, साथ साथ हम पकौड़े भी इनको प्लेट पे जा रहे हैं, यानी के जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाते हैं तो इनको हम दूसरी साइड टर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये जो हवन दस्ता था इससे पानी लगा देंगे और इस मसाले में डाल देंगे। चिकन कढ़ाई मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा। सारी चीजें पकौड़े भी कितने अच्छे कलर से फ्राई होते जा रहे हैं, बिल्कुल हमने इन्हें दरमियानी आंच पर पकाया ताकि अंदर से कच्चे ना रहे पकौड़े। नहीं तो क्या होगा, तेज फ्लेम पर पकाने से बाहर से कलर पकड़ जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और साथ साथ जो हमने हरी मिर्च डाली है, एक तेज पत्ता डाला है और अदरक डाला है, उसे भी हम हल्की आंच पे रोस्ट कर रहे थे अब तक। अब ये रोस्ट हो चुका है, इसमें जाएगा कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला पाउडर, और इसमें जाएगा अच्छा खासा पानी ताकि ये मसाला पक जाए। फिर हम इसे रोस्ट करेंगे अच्छे से, रोस्ट करने के बाद डालेंगे टमाटर इसमें। ठीक है, ये भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से पकता रहेगा। ठीक है, रोक लो एक मिनट। देखिए हमारे सरसों के तेल में बन के पकौड़े रेडी हैं। अब इससे ज्यादा डार्क कलर पकौड़ों को नहीं दिया जाता। अगर बेसन की चीजों को ना डार्क कलर में फ्राई करेंगे तो वो कड़वी हो जाती है, लाइट सा आप कलर बेसन में अच्छा लगता है खाने में। माशाल्लाह कितने खूबसूरत पकौड़े बने सरसों के तेल में, और खुशबू तो इनकी और भी बढ़िया है, लाजवाब। ये भी हमने सर्व कर लिए, साथ में हमारा मसाला भी बन रहा है चिकन कढ़ाई वाला। आज हम साथ में ये चिली गार्लिक सॉस के साथ केचप जो चिली गार्लिक सॉस के साथ पकौड़े सर्व कर रहे हैं। अब मैं बैटर डालता जाता हूँ, नेक्स्ट बैटर भी डालता हूँ, इतने में सिस्टर जो है सर्विंग करती है। साथ साथ देखिए बैटर जब भी डालना हो ना तो इस तरह से इसको मिक्स किया जाता है अच्छे से ताकि ये इवन हो जाए, फिर इसे डाला जाता है। ठीक है, ठीक है। सिस्टर आप सर्व करो, साथ साथ मैं डाल रहा हूँ, ये भी दिखाते जाओ। चलो अब हम जो ड्राई मसाला डाले ना उसे रोस्ट करेंगे अच्छे से। ये देखिए जो ड्राई मसाले डालते हैं उसे रोस्ट किया जाता है, नहीं तो नमक में ठंडी जो है कच्ची कच्ची गले में लगती है। ठीक है, ठीक। और ये पकौड़ों का नेक्स्ट बैच भी रेडी हो गया है, पहला बैच सिस्टर ने साफ कर दिया है। अब आप सुने कितने क्रंची है ये पकौड़े। मस्टर्ड ऑयल में भरे हुए पकौड़े, तो सरसों के तेल में फ्रेंड्स आप भी पकौड़े बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लगते हैं सरसों के तेल में पकौड़े। बहुत मजेदार बनते हैं, मछली फ्राई करें तब भी अच्छी बनती है मछली। और ये दिखाओ, ये भी मसाला अच्छे से हो गया रोस्ट, ये देखो हो चुका ना रोस्ट। अब इसमें ये टमाटो चले जाएंगे चार पांच,
ये गया और साथ में इसमें पानी चला जाएगा। टमाटर को गलाएंगे और फिर टमाटरों को भूलेंगे। ठीक है, ये हो गया मिक्सिंग और इसको भर देंगे अब कवर अप ताकि टमाटर इधर अच्छे से पक जाए। और ये देखिए पकौड़ों पे इस तरह से अगर आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। देखो चाट मसाला डालते ही क्या खुशबू उठेगी इनपे से। ये ऐसे थोड़ा सा टॉस कर, आवाज कितनी क्रंची है पकोड़े की। और इसको सर्व करेंगे सॉस के साथ। ठीक है, ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट बैच डाल लू इसी तरह पकोड़ों का। चलो आप सर्व करो ना, मैं डाल लू। ठीक है भाई, बारिश और मजेदार पकौड़े सरसों के तेल के पकौड़े। यस, पकौड़े बन के कम्प्लीट रेडी हो गए और सिस्टर ने कुछ तो सर्व भी कर दिए सबको, है ना। सर्व कर दिए। तो अब मैं जो है ना चिकन को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तेल को आराम से उतार लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। पकौड़े दिखाओ इसके लिए। चिली गार्लिक सॉस के साथ पकौड़े। साथ में चाय भी पी रहे हैं। साथ में देखें जो हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं उसके पैन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और नीचे से उसको खोल देते हैं। से बुला लिया देखा, ये देखिए हमने टमाटर के मसाले को अच्छे से भून लिया है। टमाटर के मसाले को भी अच्छे से भूनना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। टमाटर भून चुके हैं, अब जाएगी इसमें चिकन। ये चिकन जाने के बाद क्या होगी, मिक्स मिक्स चिकन की भुनाई और मिक्स मिक्स। ये देखिए अच्छे से चिकन को भूनेंगे। ठीक है, चिकन भी भुन रहा है हमारा। साथ साथ देखें पकोड़े जैसे ही फ्राइंग वाली चीजें ना गरम गरम निकाले, जैसे मछली होगी चाहे चिकन पकोड़ा हो गया चाहे ये वाले पकोड़े हो गए, इसमें गरम गरम ऊपर से चाट मसाला सूखे इस तरह से। और इस तरह से एक पकोड़ा ले लें, देखें और ठंडे वाला ये वाला देखा, ऊपर से लगाए इस पे केचप और इस तरह से देखिए डिस्प्ले पर। ये मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए आप ले बाइट्स। आप साथ में चाय, बहुत अच्छे भाई मजे। देखो चिकन फ्राई के लिए आलू साफ कर देते हैं। अब चिकन कढ़ाई के लिए हम आलू आलू साफ कर रहे हैं। तेल बहुत है भाई, दो डालेंगे।
तीन डालो जी आपकी मर्जी। तीन कर लेते जितने दिन से आलू अच्छे लगते हैं ना फ्राई में, आलू अच्छे लगते हैं फ्राई में बिल्कुल। मैं तेरे को कढ़ाई दिखाती हूँ, चिकन कढ़ाई हला के इसकी हो रही है बुलाई। बस अब चिकन को भून लेते हैं, देखिए पिंक कलर से ये व्हाइट कलर में अपनी शक्ल को चेंज कर रहा है आपका आपका, और चिकन को अच्छे से भूनना है हमने साथ में पोटैटोज भी चॉप करके जाते हैं। चिकन कढ़ाई में आलू इस तरह से डाला जाता है, देखिए आलू भी रेडी हो गया साथ साथ चिकन भून रहे हैं, चिकन को अच्छे से भूनूंगा मैं। देखिए चिकन को भूनने का ये तरीका होता है, इसे इस तरह से मिक्स करें अच्छे से और थोड़ी देर के लिए छोड़ दे इसे किसी और काम में बिजी हो जाए ताकि ये एक तरफ से अच्छे से भून जाए, चम्मच चलाते रहेंगे तो ये भुनेगा नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं। तो देखिए चिकन को भूनते हुए 2-3 सेकंड हो गए, ये देखिए चिकन जितना अच्छा भूनता है ना उतना ही अच्छा ये बनता है। ये देखिए ये इसमें सारे चेस्ट पीस है और चेस्ट पीस है ज्यादातर, कोई मुर्गी में और पीस नहीं है ना, सारे चेस्ट पीस है। अच्छी बोटी वाली चिकन है हमारी। तो देखिए मुर्गी को भूनते हुए अच्छा टाइम हो गया और मुर्गी अच्छे से भून चुकी है, चिकन भून चुका है अच्छे से, चिकन जितना अच्छा भुना होता है उतना ही अच्छा बनता है। अब ये इसमें पोटैटोज डाल देंगे इस तरह से, और आलुओं को भी थोड़ा सा भून लेंगे मुर्गी के साथ। ठीक है तो देखिए आलू के साथ हमने चिकन को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया, आलू को भी रोस्ट करना बेहद जरूरी होता है जैसे चिकन को ऐसे आलू को भी, अगर नहीं भुनेंगे ना तो आलू की एक अच्छी हीक सी होती है तो वो आ जाती है खाने में। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, ठीक है चिकन अच्छा गला हुआ होना चाहिए, गला हुआ होगा तो उसके जूसेस निकलेंगे तो तभी सालन अच्छा बनता है। तो चिकन जो लोग कच्चा बनाते हैं ना वो सुन लेंगे, चिकन को अच्छा कुक्ड होना चाहिए। अच्छा भाई इसमें वैसे तो हमें गर्म पानी डालना चाहिए था पर हमारा जो है इधर थोड़ा गैस का प्रेशर लो हो गया है ना जी। ये देखें आज हो रही है इस्लामाबाद में बहुत प्यारी बारिश, आप भी अपने सिटी में जिसमें भी हैं उससे कमेंट्स करके बताएं कि आपके सिटी में बारिश हो रही है आज। तो देखिए इसमें मैं पानी डालूंगा, इतना पानी डालूंगा जिसमें ये अच्छे से गल भी जाए और हमें थिक सी ग्रेवी भी मिल जाए। ठीक है ठीक है अब इसे
दिखाओ क्लोजिंग में, इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए बड़ी बड़ी बोटियां हैं, इसमें इसको अच्छे से हम तकरीबन अब हम कुक करेंगे इसे। शुरू में तेज फ्लेम पे, फिर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 30 से 35 मिनट इसे अच्छे से कुक करेंगे चिकन कढ़ाई को। दिखाओ चिकन कढ़ाई बन चुकी है, बस इसमें हमने थोड़ा सा दही डाला है अभी। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह से ये तैयार हो गई है। तकरीबन ये 35 मिनट से चढ़ी हुई है। अब इसमें हरा धनिया डालना है और उसके अलावा दूध दही निकाल लेते हैं। देखिए वाली साहब दूध दही लिया है ऑफिस से आते हुए। ये दही है, वो दिखाओ दही, और ये दूध है। दूध भी निकालते हैं और दही को, अभी दही हमारा जो अंदर की पड़ी है इसमें दही पड़ा हुआ है पहले वाला खुला हुआ, तो ये जो फ्रेश दही है ना उसको अभी इसी तरह रखते हैं। जब वो खत्म हो जाएगा फिर सिस्टर इसे खोल के देखती में डालेंगी और फिर नाश्ते में भी खाया जाएगा। नाश्ते में हम दही जरूर खाते हैं। दूध खोल लेते हैं, दूध उबालते हैं। दूध को रखते हो उबालने के लिए। दूध उबलने के लिए आ गया, आप हरा धनिया डाल लेते हैं। ये दही फ्रिज में रखेंगी सिस्टर? ठीक है। दिखाओ हरा धनिया कितना फ्रेश है हमारा। इसका पानी भी बदल देंगे, इसका नया पानी इसमें डाल देंगे और गठिया खोल लेंगे ना। और गठी को खोल लेंगे, पहले वाली गठी खत्म होगी? नहीं भाई, है दो पड़ी है और। ऐसे रखेंगे तो फ्रेश दही वाला इस वाले को धो लेते। और इसको कर लेते हैं धनिया क्या, और ये अंडे अंडे चले। ठीक है, अंडे भी छील लेते।
बस अब हमारी इडलिया बनकर रेडी होगी। ग्रेवी भी इतनी हमें चाहिए है ना जी। बस ठीक है, साथ में दूध भी उभर है, साथ में सब्जी निकालते हैं। सब्जी लाए वाली साहब, तो देखते हैं सब्जी में क्या क्या लाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब सब्जी लाए हैं, सब्जी निकाल लेते हैं। दिखाओ गाजरे भी हैं और सब्जी भी है, सब्जी निकालते हैं। आलू लाए हैं, तो ये जो पुराना आलू है ना इसे पहले साइड पे कर देते हैं। पुराने से मुराद ये पहले लाए थे है ना जी। और अब नया आलू लाया, दिखाओ इसे डाल दो। मैं कह रहा था कि ये नीचे डाल दे, मतलब वो ऊपर डाले। चलो माशाल्लाह फ्रेश आलू है। और इसके अलावा क्या लाए, गाजरे भी लाए। दिखाओ गाजर, ये वाली गाजर, ये देखें ये एक ही दाना है, इसे काली गाजर कहते हैं। और पालक है, पालक क्या रखते जाते हैं, तीन गठिया पालक है, कितनी फ्रेश है। और इसके अलावा हरा धनिया, और भी हरा धनिया आ गया। और क्या लाए, बंद गोभी है और मटर। ये बंद गोभी है, तीन है ना, तीन बंद गोभी है, तीन है। और मटर दिखाओ, किलो लेके कितने जा रहे। तो देखिए क्या क्या आया, बंद गोभी और मटर इधर रखेंगे। ये बैंगन तो पहले ही, आलू है और गाजर है, और ये दिखाओ पालक, तीन गट्टी पालक और हरा धनिया। ठीक है, ठीक है, चलो। और हरा धनिया ठीक है, ठीक मट्टी में पाऊंगा। Thank you.